हाँ जी गाइस, यस गुड मॉर्निंग गाइस, अनदर डे अनदर ब्लॉग। वी आर इन जयपुर टुडे, एज यू कैन सी दिस इज अवर टुडे। नाउ वी आर गोइंग टू एक्सप्लोर जयपुर विद दिस ब्यूटीफुल कपल एंड दिस गाय बिहाइंड द कैमरा एंड हिज नेम इज जसदीप फ्रॉम जेएसएन फोटोग्राफी। सो एज यू गाइस कैन सी दैट weather is so good, neat and clean, tidy Jaipur, but it's freaking hot right now. And see you guys later on like some places. We are just going for a breakfast right now. आओ दोस्तों, चाय पी लो, पराठा खा लो, दही खा लो। आजो गाइस, करिए अपन ब्रेकफास्ट, फिर इस तो बाद चलते हैं अपन घूमन। देख दे अपना दिन कितना निकलता, होपफुली बहुत वधिया रहेगा, वैदर सोना जिंदा मैं तुम पहला वीडियो में दिखाया सीगा। सो विल सी हार्ट विल गो, मिल दे आजा। तो ब्रेकफास्ट दे डोरिंग आप दे फ्रेंड सर्कल नाल भी कनेक्ट होया जा रहा है। ये बैठे बेचारे कनाडा दे विच फीलिंग ले रहे हैं कि सामने कुछ खान नहीं मिले। ते आलू जी इधर कुड़ी देख रहे हो, यह पोहे लिए तरस रही है। आ बंदा आलू के परौंठे लिए तरस रहा, आ कुड़ी हमेशा भुखी रहती है। आ सब तो वह भुखड़ा, हाँ आह भुखड़ा, आ जे काले कपड़े हाँ। कमेंट करके जरूर दस्यो भी कोई जे कपल हो कदे लड़ूगा नहीं कहना कदे लड़ नहीं सकते, यह सरासर झूठ है, तुम प्रूव करके दिखाओ।
सामने के अंदर अपन लोग जो तोप देख रहे हैं ये पूरे वर्ल्ड की विश्व की सबसे बड़ी तोप जयवार तोप, ये तोप इसी किले के अंदर तैयार करती है 1720 के अंदर, इसी किले के बैक के अंदर इसका कारखाना है, उसी कारखाने से इसको तैयार करने के बाद यानी 65 एलिफेंट द्वारा एक एक पार्ट द्वारा यहाँ पे इसका सेटलमेंट लाया गया था। सेटलमेंट लाने के बाद यानी इसको सेटल जब किया गया था तो उसके दो गोले बनाए गए थे जो थे 50-50 किलो के, जिसके एक गोला तो उस टाइम पे दागा था जो सिटी से 25 किलोमीटर दूर चाखू नाम का गाँव था जो वहाँ के वहाँ गिरा था। एक गोला आज भी मौजूद है किले के बैक के अंदर जो म्यूजियम है, जो म्यूजियम के अंदर रखा है, म्यूजियम भी इस पार्ट के अंदर क्या बंद कर रखा है सर, सिर्फ तोप ही हो पा रहे सर, इसलिए जो है 50 किलो ऊपर की जो नाल है वो सर जी है सारी कॉपर्स की सर। दूसरी बात जयमार तोप का जो निर्माण जो महाराजा सवाई जयसिंह, जो जयसिंह जो राजा थे जिन्होंने पिंक सिटी चार्ज की थी, वो आप सिटी के अंदर से आए थे क्या सर? सिटी के अंदर से। तो आपने देखा गुलाबी नगर से यार, तो पिंक सिटी चार दीवारी जो है सवाई जयसिंह जो जयपुर सिटी उन्होंने बसाया था जिसके नाम से जयसिंह स्टार्ट किया था। तो जयमार तोप, जयगढ़ फोर्ट, जंतर मंतर, जयपुर सिटी, तो जय के नाम से जो सवाई जयसिंह ने शाहजी को निर्माण किया था जयपुर सिटी चार सिंह का नाम जयसिंह। उसके बाद जिसके राजा साहब, जिसके आज भी एक राजा साहब यहाँ पे जिंदा हैं जिनका नाम है महाराजा सवाई भवानी सिंह, जिनका भी 4-5 साल पहले देहांत हुआ, जिनका भी वंश आज भी चल रहा है, उनकी लड़की का जो लड़का उनका दुआ था उनको राजा की राज तिलक करके राजा की उपाधि वगैरह दी गई है। इसकी राजा साहब जब भी इस किले के अंदर आते हैं हथियार उनको पूजा वगैरह करते हैं। तो आगे आप अभी इसका फ्रंट देखेंगे, फ्रंट के ऊपर आप देखेंगे गणेश जी सत्या वगैरह बनाते हैं, वो सब राजा साहब के यहाँ बनाए गए सर। तो ये तोप कहीं से कहीं भी नहीं लाई गई, इसी तोप के इसी किले के अंदर तोप का निर्माण किया था, इसी किले के अंदर तोप एक ही बार फैली थी और एक ही बार ये तोप चलाई गई सर। कहीं सर युद्ध में कोई युद्ध में नहीं है बिल्कुल, ये तो शौक थे सर राजा। अब सवाई जयसिंह तो खुद ही सर इतने वो थे साइंटिस्ट, यानी जंतर मंतर जो जंतर मंतर जो सारे आपने दिल्ली में भी जंतर मंतर हो सवाई जयसिंह का ही, 5-4 राज्यों के स्टेट में सवाई जयसिंह के जंतर मंतर की स्थापना, जयपुर दिल्ली जो सवाई जयसिंह के साथ स्थान की स्थापना है सर। आप उधर से एक फोटो वगैरह कर लीजिए फिर एक ऊपर का अपना पूरा राउंड है सर समझाने का, ठीक है ना। नीचे के अंदर देख रहे हैं सर जी वाटर पैलेस, उसको बना था मार्च सो प्रताप सिंह, सामने स्टेट में देखेंगे वो टीवी टावर, राइट में देखेंगे आर्मी का बिल्कुल। नीचे डीप के अंदर आप लोग जो देख रहे हैं सर जी एकदम नहर आ रही है, आप लोग किसी टाइम के अंदर से किसी किले के अंदर से कोई गांधी परिवार खजाना लेके गया था, वो किला यही है। इसी किले के अंदर एक टैंक है जिसमें क्या गांधी परिवार इस किले के निर्माण के लिए आए थे, इस किले के अंदर जैसे पानी वगैरह की सुविधा है इतनी ऊपर वो जैसे कि आई थी तो उसने यहाँ पे कंस्ट्रक्शन छेड़ा था, कंस्ट्रक्शन छेड़ने का तो उसने पानी का टैंक बनवाया था। टैंक अभी आगे के अंदर किले के बैक के अंदर वो मैं आपको आगे बताऊँगा सर। ये नहर देख रहे हैं जिसकी बारिश का और पहाड़ों का पत्थरों का पानी चीज़ आने लगा, इस सिस्टम से इस तरीके से बना रखा पानी कहीं वेस्ट ना हो, उस टैंक में सारा इकट्ठा हो जाए, उसी पानी को आज भी टाके का पानी पीने के अंदर अपन लोग फ्लैग देख रहे हैं जिसकी ये जिसकी जयपुर सिटी के अंदर जो राजाओं का राज था वो था 5 राजाओं का राज, सवाई मान सिंह, सवाई जय सिंह, सवाई माधो सिंह, सवाई प्रताप सिंह, सवाई भवानी सिंह, जिसकी 5 राजाओं का बात है इनकी सवाई इनके इसलिए आगे लगाया जाता था ये थी सूर्यवंशी खानदान से, समझे सर जी। तो ये 5 कलर का झंडा उनके निवास के ऊपर, उनके पैलेस के ऊपर, उनके फोर्ट्स के ऊपर आपको एक साथ मिलेंगे देखने के लिए, सब राज्यों में सेम कलर बिल्कुल बिल्कुल। दूसरी बात जिसकी 2 झंडे एक साथ फ्लैग के ऊपर लगाए जाते हैं तो ये संकेत दिया जाता है कि राजा साहब अभी इसी कंट्री के अंदर मौजूद है, ऊपर से जिसकी छोटा वाला फ्लैग हटा दिया जाता है तो ये संकेत दिया कि राजा साहब भी आउट ऑफ कंट्री के अंदर गए हैं, यानी वो सिटी से बाहर की तरफ। इसके भी एक ही फ्लैग लग रहा है, 2 फ्लैग लग रहे हैं ऊपर एक छोटा एक बड़ा, तो जिसकी राजा साहब इसी कंट्री के अंदर भी मौजूद है, रेड वाइट तोड़ने का पत्थर तोड़ने का जो सीन फिल्माया गया था वो सारा यही फिल्माया गया, वो देख रहे हैं चैनल गेट जो बंद पड़ा हुआ सामने जिसकी जेल वो बनाई गई थी, पहाड़ तोड़ने का पत्थर तोड़ने का काम उसको यहाँ दिया गया था अमिताभ को। अच्छा खुदा गवाह।
ਖਸਤਾ ਹਾਲਤ ਹੋ ਰੱਖੀ ਆ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੁੱਕ ਆਫਟਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਗਾਇਸ ਕੀ ਗਰਮੀ ਹੋ ਰੱਖੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੱਦ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੋਪ ਦਾ ਕਾਰਖਾਨਾ ਦਿਖਾਉਣ। ਅਤੇ ਆ ਜਾਓ ਚਲੀਏ, ਵਿਊ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ, ਬੜਾ ਕੈਟ ਫੋਰਟ। ਸੋ ਕਿਰਤ, ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਕੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੇਂਗੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ? ਮਤਲਬ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਲਾਈਫ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀਗੀ, ਹੈ ਨਾ? ਇੱਕ ਸਟੈਂਡਰਡ ਸੀ, ਇੱਕ ਸ਼ਾਹੀ ਲਾਈਫ ਸੀਗੀ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸ਼ੋਅ ਆਫ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਸ਼ੋਅ ਆਫ ਸੀਗਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕਾਇੰਡ ਆਫ, ਬਟ ਇੰਨਾ ਸ਼ੋਅ ਆਫ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਇੱਕ ਕੁਆਲਿਟੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਬਟ ਇੱਕ ਬੁਰੀ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦੋ ਟਾਈਮ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਬਦਲੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਜੈਸਲਮੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਫੂਡ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਹੋਇਆ, ਹੈ ਨਾ? ਸੋ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਰਿਪੀਟ ਹੋਈ ਮੇਰੀਆਂ। ਬਟ ਓਵਰਆਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਅਗਰ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ। ਅਤੇ ਆਹ ਪਾ ਕੇ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਖਾਲਖਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ।